चलो ये पियो और बताओ कैसी है। यार तुम कैसी हो? अजीब सी, कभी सही होती हो कभी अजीब सी हो जाती हो। मतलब पहले तो मेरे से इतनी नफरत करती थी, अब एकदम से बहुत अच्छी हो गई हो। क्या वो झूठ था या ये झूठ है? कुछ भी झूठ नहीं है। नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता। मतलब अभी तुम्हारी फादर की, तुम्हारी बहन की डेथ हुई है, तुम्हारी अम्मी घर छोड़ के मामू के पास चली गई हैं, ऊपर से तुम अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाई। क्या इस वजह से ये बदलाव आया? मुझे नहीं लगता मुझ में कोई बदलाव आया है। मैं अभी भी जज्बाती हूँ, अभी भी बात बात पे रिएक्ट कर जाती हूँ। मैं कभी नहीं सुधरने वाली। नहीं तो फिर तुम ये क्यों कर रही हो और कब तक करोगी और एक्टिंग करना कब छोड़ोगी? मैं एक्टिंग नहीं करी शहीर। मेरा तुम एक्टिंग ही कर रही हो और तुम जो भी कहो मुझे साफ साफ पता चल जाता है। तो मैं तो यहाँ सेटल हो गया था ना इस हालत में तुम्हारे बगैर। मुझे तुम्हारी जरूरत तो नहीं थी। मुझे जरूरत है तुम्हारी। मैं तुम्हारे लिए नहीं रह रही यहाँ पे। और सच पूछो ना तो बहुत टफ है यहाँ पे रहना, मुश्किल है लेकिन बुरा नहीं है। Why are you here? मतलब मैं वही शख्स हूँ, मैं नहीं बदला ना मैं बदलूंगा। बस ये बदला है कि अब मैं उस तरह तुम्हारे पीछे पागल नहीं हूँ, शायद कभी नहीं होऊंगा। लेकिन जब जब तुम ये रियलाइज करोगी तुम फिर से मेरे से नफरत करना शुरू हो जाओगी। मैं नहीं करूंगी तुमसे नफरत। मैंने बंद दिमाग से तुम्हें रिजेक्ट किया था लेकिन अब अपने दिलो दिमाग से तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया मैंने शहीर। जो मजा आता है तुम्हारे साथ, अच्छे लगते हो तुम मुझे। तुम्हें पता है मैं खुश हूं कि तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था कि तुम हो। बड़ी जल्दी ख्याल आया आप। ओफ फिर से तंज। अच्छा चलो प्लीज अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मजे की बातें करते हैं। मेरा मेरी जिंदगी में इस हालत में कुछ मजे का नहीं होता जो मैं तुम्हें बता। कितना खुदगर्ज इंसान है तू। कब तक बदला लेगा इससे? मैं कोई बदला नहीं ले रहा इससे। झूठ झूठ बोल रहा है तू। अगर तू चाहता तो इससे शादी से इनकार कर सकता था लेकिन तूने नहीं किया। जिंदगी बर्बाद की है ना तूने इसकी। लेकिन अब मैं और ऐसा नहीं होने दूंगा। मायरा चलो। नहीं ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। मुझे जाना है, थक गई हूं मैं। मेरी कोई जिंदगी नहीं है यहाँ पे इस लूजर के साथ। ना कहीं आ सकती हूँ ना कहीं जा सकती हूँ। ना घूमना ना फिरना, खिदमत करते रहो इसकी। अरे छोड़ो इसको, मैं शादी करूंगा तुमसे। चलो। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ शहीर। तलाक दो मुझे। नहीं मैं तुम्हें तलाक नहीं दे। तलाक दो मुझे। तलाक दो इसको। तलाक नहीं दूंगा तुम दो के मुझे। तलाक दो मुझे। नहीं अरे तुम कहाँ से आ रही हो सुबह सुबह? बस वो मैं और शहीर रात को पूल के पास बैठे हुए बातें कर रहे थे, वही मेरी आंख लग गई। शहीर भी तुम्हारे साथ था भाई? अंदर है वो? उसको भी बस नींद नहीं आती ना, सारी रात इधर उधर फिरता रहता है। जी
अजीब है वैसे, जा ही रहा था अंदर तो तुम्हें भी उठा के साथ ले जाता। वो मैं इतनी बेखबर सो रही थी, शायद वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ देखो। क्या हुआ है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ इतनी सुबह हो गई, अब क्या करूंगी सो के, जाग ही लेती हूँ। अंदर रुस्तम है ना, ये शहीद भी ना, मुझे लगता है जानबूझकर तुम्हारे लिए परेशानियां बढ़ा रहा है। मुझे तो इनकी समझ नहीं आती मम्मी, अभी रात को बिल्कुल ठीक थे मेरे साथ, एकदम इनको क्या हो जाता है? पता नहीं, इसके मूड का भी खुद ही कहता है कुछ करने को और फिर खुद ही उस बात पे इतना नाराज हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही बेटा, तुम कैसे हैंडल करोगी ये सब कुछ? कर लूंगी मैं हैंडल। कोई एक चैलेंज थोड़ी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास तो इस घर में सोने के लिए भी कोई जगह नहीं है। मुझे पता है वो ये सब क्यों करता है मम्मी, ताकि मैं घबरा के डर के यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं करूंगी। बहुत गलत बात है, मैं करूंगी उससे बात। अच्छा चलो जाओ, मेरे कमरे में जाके आराम कर लो, थोड़ी देर सो जाओ। मम्मी सुबह हो गई, अब क्या करूंगी मैं सो के? क्यों तकल्लुफ कर रही हो बेटा? देखो अपना ख्याल नहीं रखोगी ना तो ये जंग कैसे लड़ोगी, है ना? जाओ जाओ मेरे बच्चे, जाओ जाके सो जाओ थोड़ी देर। सुने मम्मी, आई एम रियली वेरी सॉरी, उस दिन मैंने आपको इतना कुछ कह दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा कोई बात नहीं, अब तो हम एक फैमिली है ना, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, है ना, उसमें तो ऊंच नीच हो जाती है। तुम अगर मुझे गलत नहीं समझोगी ना, मेरे लिए यही बहुत है। ओके चलो जाओ, गो गेट सम रेस्ट।